सर्दियां आते ही हर घर में मूली गाजर का अचार बनना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी मूली और गाजर की ऐसी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जिसमें आप लोगों को ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इसे आपको धूप में सुखाने की ज़रूरत पड़ेगी और ये इंस्टेंट बन के तैयार हो जाएगा। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी है कि अगर आप एक बार इस अचार को बनाएंगे तो हर बार आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ये आपको, और ये इंस्टेंट बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये मूली और गाजर और हरी मिर्च का बहुत ही टेस्टी सा अचार, क्योंकि जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो हम लोगों को हर तरह तरह के अचार खाने का मन होता है और उसमें सबसे अच्छा लगता है गाजर मूली का अचार। तो इसीलिए मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ये गाजर मूली के अचार की रेसिपी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसे देखते हैं और ये कैसे बनता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर गाजर मूली और हरी मिर्च को इस तरीके से काट लिया है, तो आप अपनी पसंद से किसी भी तरीके से काट सकते हैं। तो चलिए पहले इसका एक मसाला बना लेते हैं, जो कि अचार का मसाला बनाना है हमें। तो हम इसे पहले ड्राई रोस्ट करना है, तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। पैन में डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच मस्टर्ड सीड राई, 1 चम्मच में डाल दूंगी इसमें सरसों, जो लाल वाली सरसों होती है वो, और 1/2 चम्मच से भी कम इसमें जीरा डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ी सी मेथी दाना। मेथी हम थोड़ी ही डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा मेथी डाल देंगे तो हमारा अचार कड़वा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ी सी मेथी डालेंगे, बिल्कुल 1/2 चम्मच से भी बहुत कम डाली है मैंने, तो आप बहुत कम इसमें मेथी दाना डालिएगा, क्योंकि मेथी अगर ज़्यादा हो जाएगी मसाले में अचार के तो हमारा मसाला एकदम कड़वा सा उसमें, क्योंकि कड़वा टेस्ट होता है, इसलिए आप मेथी का जो क्वांटिटी है वो बहुत थोड़ी सी रखिएगा। तो बस इसको हल्का सा हमें ड्राई रोस्ट करना है, जैसे इसमें चटकने की आवाज़ आ जाएगी तब तक हम इसको रोस्ट कर लेंगे। बस आप देखिए, मैंने इसे सारे मसाले को एक प्लेट पर निकाल लिया है और अब मैं इसको मिक्सी में डाल के तर तरह सा पीस लूँगी। तो आप ये मसाला बनाएंगे, तो अब मैं इसको मसाले को जो मैंने ड्राई रोस्ट किया था इसको मिक्सी में डाल के हल्का सा पीस लेंगे। तो ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे इसे। तो देखिए, मैंने इसको हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है। तो अभी हम इसमें कुछ मसाले और डालेंगे, तो इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ी सी कलौंजी 1/2 चम्मच, और मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली है इसमें 1/2 चम्मच, और ये मैंने डाला है आमचूर पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें मसाले में। तो देखिए, हमारा एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा सा और बहुत ही खट्टा सा एक अचार का मसाला तैयार हो गया है। तो आप इस मसाले को चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी सब्ज़ी में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप कोई भरवा भिंडी या भरवा कोई भी बैंगन बना रहे हैं तो उसमें ये मसाला बहुत काम आता है। तो चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं अपने अचार की। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, और कढ़ाई में मैंने डाला है 2 चम्मच सरसों का तेल। तो सरसों का तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसकी झल निकाल लेंगे हम, और इसमें हम डाल देंगे गाजर मूली जो भी हमने काट के रखी थी, हरी मिर्च। तो इसको हम हल्का सा तेल में फ्राई करेंगे। तो देखिए, मैंने सारी अपनी वेजिटेबल्स जो मैंने काटी थी, तो इसी में मैं यहाँ पर नमक डाल दूंगी, क्योंकि नमक हमारी वेजिटेबल को थोड़ा सॉफ्ट कर देगा। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया, और मैं इसमें डाल देंगी हल्दी, क्योंकि मैंने नमक जो अपने जो मैंने मसाला बनाया है अचार का उसमें मैंने नमक नहीं डाला था और ना ही मैंने उसमें हल्दी डाली थी। तो नमक और हल्दी हम यहाँ डाल देंगे अचार में, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्ज़ी है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी हल्दी और नमक से। तो देखिए, मैंने तेल में अच्छे से नमक हल्दी और तेल में अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है अपने गाजर मूली और मिर्च को। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारी जो गाजर मूली है थोड़ी सी वो सॉफ्ट हो जाती है। तो इसमें हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं, तो ये तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो बस देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे वही मसाला जो हमने बना के रखा था, अचार का मसाला जो बनाया था हमने, वो इसमें यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आप जितनी भी आप ले रही हैं अपना जो भी आपके पास ज़्यादा बना रहे हैं क्वांटिटी में आप अचार, तो उसमें आप ज़्यादा डाल दें। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच बड़े वाले भर के डाल दिए हैं, जो टेबल स्पून होते हैं हमारे,
थोड़ा चम्मच मेरा बड़ा साइज का था, तो वो मैंने 3 भर के डाल दिए हैं इसमें। तो आप अपना हिसाब देख लेना, जितने भी आप हिसाब से बना रहे हैं तो मसाले का थोड़ी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, और अगर आप कम बना रहे हैं तो मसाले की क्वांटिटी आप थोड़ी घटा सकते हैं। तो बस अब मैंने यहाँ पर गैस को ऑफ कर दिया है और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था ताकि हमारी मूली और गाजर थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए। तो बस देखिए मैंने क्या करा है, इसको अब हम इसे ठंडा करेंगे क्योंकि अभी ये गर्म है, तो अभी हम किसी भी जार में या किसी चीज़ में से भरेंगे नहीं जब तक कि प्रॉपर तरीके से ठंडा नहीं हो जाए। तो मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है, बड़े बाउल में, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो देखिए 5-10 मिनट मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था बाउल में रख के, तो ये इसकी हवा निकल गई है सारी और ये बिल्कुल अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ गया है, बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो बस अब हम इसको एक जार में भर लेंगे। तो आप इसी तरीके से साफ़ सुथरा सा कोई भी जार ले लें, कांच का अच्छा रहेगा कि आपके पास कांच का जार हो तो उसी में आप भर लें इसको, क्योंकि कांच में हमारा अचार ज़्यादा दिन तक चल जाता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता। तो देखिए मैंने एक डब्बा पूरा फुल भर लिया है अपना जार जो था मेरे पास कांच का, और वो डब्बा भरने के बाद थोड़ा सा अचार मेरा और बच गया था, तो मैंने ये इस वाले बाउल में कर लिया है। तो देखिए देखने में इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है मेरा अचार, तो आप सोचिए खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। और अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, किसी भी मटर पुलाव के साथ, पराठे के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी बनाएं अचार इस तरीके से और अपनी फैमिली को खिलाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगी ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।